अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो आज हम आपको झटपट वाले भजिए बता रहे हैं, फटाफट आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हो। और आपके घर में ज़ईफ़ लोग होंगे, बुजुर्ग लोग होंगे, उनके लिए भी ये भजिए बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं फ्रेंड्स खाने में। बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सॉफ्ट होते हैं। क्रिस्पी भजिए तो हम खा ही लेते हैं, लेकिन सॉफ्ट भजिए की रेसिपी है फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमने क्या क्या लेकर रखा हुआ है। तो प्याज इस तरह से रफली कट करना है, और एक गाजर ली हमने, इसको घिस लिया है। दो चम्मच लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, ये देख सकते हो आप, लहसुन और हरी मिर्च दोनों साथ में पीसा है हमने, दो चम्मच फुल भर कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया लिया, इसको धोकर कट किया है। एक चम्मच फुल भर कर अजवाइन ली है, एक चम्मच फुल भर कर जीरा लिया है। यहाँ पर लिया हमारे लिए हमने एक कटोरी बेसन आटा और आधी कटोरी चावल का आटा, इससे हमारे भजिए थोड़े से क्रिस्पी रहेंगे, थोड़े से ज़्यादा नहीं। नमक लिया हमने टेस्ट के हिसाब से, दो चुटकी लिया हमने हल्दी और दो चुटकी लिया हमने खाने वाला सोडा। चुटकी मतलब इस तरह से फ्रेंड्स, दो ही चुटकी खाने वाला सोडा लेना है, दो ही चुटकी हल्दी लेना है। नमक आप आपके हिसाब से भी ले सकते हो, मिर्च आप आपके हिसाब से भी ले सकते हो। बहुत ही बाउल ले लिया है, बाउल में हमने प्याज को ऐड किया है। अगर गाजर आपको डालना हो तो डाल सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इससे अच्छा टेस्ट आता है। जीरा ऐड करेंगे और अजवाइन को हाथ पे, इनको इस तरह से हाथ पे क्रश करके डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर हो जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से डालिएगा। अगर आपको हरी मिर्च कट करके डालना हो तो आप कट करके भी डाल सकते हो फ्रेंड्स। खाने वाला सोडा, नमक अच्छे से मिक्स करेंगे, पहले ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स करेंगे, बाद में हम चावल का आटा और बेसन आटा ऐड करेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, कहीं पर नमक लगता है और कहीं पर नहीं, और रोजे में तो हम नमक मिर्च चख भी नहीं सकते फ्रेंड्स। इसके लिए पहले आप अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए, तो सब तरफ नमक मिर्च मिक्स हो जाएगा। सभी चीज़ें डाल दोगे, फिर इसके अंदर बेसन आटा चावल का आटा डाल दोगे, तो कहीं पर नमक लगेगा कहीं पर नहीं लगेगा, तो वैसा नहीं करना है। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए आप, तो ये सही तरीका होता है फ्रेंड्स। के अंदर आधा कटोरी लेना है आपको चावल का आटा, और एक कटोरी फुल भर कर लेना है बेसन आटा। अभी हम इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, पानी ज़्यादा ही जाता है इसके अंदर। बच्चे लोग के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, हमारे फैमिली में तो बहुत ज़्यादातर ये पसंद किए जाते हैं। हमारे दादा जान, हमारी दादी जान को इस तरह से बनाया करते थे अम्मी जान, और हम भी अपने बच्चों के लिए बनाते हैं। तो ये देख लीजिए, ये तैयार हो चुका है। चलिए अभी हम इसको फटाफट फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल हमने गरम होने के लिए रख दिया, ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है। बिस्मिल्लाह करके छोड़ते जाएंगे आराम से, छोटे बड़े आपके हिसाब से आप छोड़ दीजिएगा। तो इस तरह से उलट पलट कर इसको फ्राई कर लेंगे, 3 से 4 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। इस तरह से उलट पलट कर आप इसको फ्राई कर लीजिए, तो ये देख सकते हो आप, ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इसको निकाल लेंगे, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, इस तरह से निकाल लेंगे। इसके नीचे एक प्लेट रख देंगे, तो जो भी ऑयल होता है निकल जाता है। बाद में आप इसको टिश्यू पेपर पे भी रख सकते हो, लेकिन ऑयल को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करते अपने अंदर, आप देख सकते हो, आपको नजर आ रहा होगा क्लियरली। तब तक हम दूसरे फ्राई कर लेते हैं, नीचे प्लेट रख देते हैं इसके, और भी हम छोड़ते जाएंगे। तो ये देख सकते हो, छोड़ दिए हमने, इसको पलट लेंगे इजिली। जितने कढ़ाई में आएंगे उतने आप ऐड कीजिएगा, और इसको इस तरह से घुमा घुमा कर फ्राई कीजिएगा। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, देखकर ही आपको पता चल ही रहा होगा कि कितने मज़ेदार हो गए खाने में। ये फ्राई हो चुके हैं, अभी इसको भी हम निकाल लेंगे, ये देख लीजिए, इसी तरह से हम सब फ्राई कर लेंगे। तो हम आपको एक तोड़कर दिखाना चाहेंगे, ये देख सकते हो आप, अंदर से इस तरह से ये सॉफ्ट होते और बाहर से थोड़े थोड़े इस तरह से क्रिस्पी होते, ये देख लीजिए आप, मज़ेदार होते फ्रेंड्स। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देख लीजिए, जब भी आप इसको ट्राई करोगे हमें कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये थी हमारी आज की इजी रेसिपी, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स, और ज़रूर से ट्राई कीजिए। जब भी आप इसको ट्राई करोगे हमें कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये खाने में। तो आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आपके फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
तो चलिए मिलते हैं हम बहुत जल्द इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपने फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।